नादरीन, हम इस तरह नहीं शुरू करेंगे, ये चेक करेंगे। देख रहे हैं? कौन है भला? हसन मियां आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अली मुकाम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज आप व्लॉग की स्पेशली आपको मैंने तकलीफ दिया, मैंने आपको कहा कि हसन मियां को आज हमने स्पेशल तकलीफ इसलिए दिया है कि हमने बना था एक व्लॉग का पर्टिकुलर टुकड़ा। क्या कहते हैं? ताड़ा रंग क्यों बैठा हुआ है? तू दाने ताड़े मुंह से नहीं निकल रहे? की गल? गर्मी बहुत है भैया। मुझे कल कॉल के ऊपर बता रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर ना इनकी बाइक 700 किलोमीटर चल चुकी है। 700 किलोमीटर हफ्ते में? ना यार। और एरिया क्या है? जोहर टाउन, ग्रीन टाउन और वो वॉकर टाउन, बस। और जी अल्लाह पाक खैर करे उनकी मोटरसाइकिल चली, हमारे ब्लॉग चल पड़े, तो इंशाल्लाह आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और रात बखैर, क्योंकि आज का ब्लॉग लेट नाइट शुरू कर रहे हैं। आपका भाई कैसा लग रहा है? चीसा लग रहा है? कटिंग चटिंग खर्च करा गए हैं? हमारे घर पे आपको जैसे कि बताया आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखे चेक करें, पिंक कलर मेरे भाई ने पहना, कैसा खूबसूरत लग रहा है। तो मेहमान आए हुए इंशाल्लाह, तो बस पहले इनको खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे व्लॉग की तरफ जाएंगे। आज हम लोग कुछ डिस्कस करना है, कुछ चीजें जो कि बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने कहा हसन को, मैंने कहा बेटा आप लाजमी आज चक्कर आए, तो इनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने टाइम निकाला, आए। इनके अपने घर में पेंट वर्क चल रहा है जी, धड़ाधड़ चल रहा है से। तो बस ये पेंट वर्क के घर में चल रहा है, हमारे घर में दूसरा काम चल रहा है, बस खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। इतनी भूख लगी हुई है कि खाना शुरू कर दिया, अभी हमने सामान नहीं पूरा रखा, चीजें पूरी नहीं, अभी तो रायता ही आ रहा है, वो बोतलें आ रही हैं। मैं अभी खाता हूँ, इससे पहले हसन मियां मुका दें सारा। हमारा सेटअप है जो हमने लगाना है असल में केज के अंदर, ये हमने 12 वोल्ट की सप्लाई ली है, ठीक है जी। इसकी तार कनेक्शन में चलेगी आपके, और इससे आगे से 2 वायर निकले, जिन वायर के साथ आगे फैंस की वायर कनेक्ट हो जाएंगे, और ये अच्छी खासी हवा दे रहे हैं। क्यों हसन मियां? नहीं, ये बड़ा बेहतरीन छोटा केज में हिसाब हो जाएगा कि आंधी वाला हिसाब, मेरी वाला हिसाब ऐसे ही है। तीन बेसिकली तीन लेवल्स पे लगाएंगे ना, ये ऊपर चल के दिखाते हैं आपको कि इसको हमने कनेक्ट कैसे करना है। ऊपर चलते हैं जरा। चले जी, आज आप केज ओपन करें जनाब। जी आज हमने हसन से केज ओपन करवाया कि हमने कहा जी आज आप केज ओपन करें, और हम अंदर एंटर होते हैं, चूचे चेक करें जी। हम लोग आ गए फाइनली अपने केज के अंदर, अंदर नहीं जाना, तो अमीर उसी पास से बढ़ के लाइक और। तो हमने 4 फैन मंगवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा ये केजेस वगैरह आप जो हैं, एक फैन जो हसन मियां को चाहिए, एक फैन इनको दे देंगे, इन्होंने अपना कुछ घर में वो ना मेरे अंदर वाला इसलिए कुछ नहीं करना, अपना कर लेंगे। और हम अंदर वाला बस से दरवाजा खोल, बाहर खुल गए हमारे पिजन्स देखे माशाल्लाह, पिजन्स अब ना मुझे लग रहा है बड़े हो गए हैं। कहाँ पे लग रही है? छत के साथ नहीं, मैं चाह रहा छत के साथ नहीं, यहाँ पर। यार हसन मियां इस तरह का लगेंगे तो फिर ये ना कैसे मैनेज करेंगे हम लोग इसको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि देखें यहाँ पे लग गए हमारी जो सप्लाई है ना, वो हमने रखनी है वहाँ पर, वो तो जाहिर बात है उसी वॉल पे सप्लाई आ गई, ठीक है। एक स्टैंड बन गया, वहाँ से ऐसी एक वायर आएगी, अच्छा ठीक है, 1 2 3 जो वायर ऐसे पूरी एक जाएगी। लेकिन इसका एक इशू है ना, नहीं ना काका, अगर हम नहीं देखें, अगर हम वो बाहर की तरफ अगर लगाएंगे ना यहाँ पे रखे, तो ये तीनों ऐसे पूरी हवा एंड तक जाएगी। भी आपको एक है कि बाहर से लगाते हैं पूरी जाएगी, ये लेकिन ये पता कैसे लगेगी, ये क्यों लगेगी ऐसे? एक तो ये लेकिन इधर हमने ये इस जगह हमने खड्डा करवा के इधर हमने एग्जॉस्ट लगाना है, एग्जॉस्ट भी मैं सोच रहा इसी फैन का लगवा लूँ, क्या कहते हैं? हाँ, इसमें बड़ा साइज मिलता है, बड़ा साइज इसमें एक है लेकिन वो मुश्किल है, क्या कहते हैं? चार हजार का है, वही करना पड़ेगा। बाकी हमारे कबूतर माशाल्लाह जी दाना चौक दे पे है और चूचे बढ़ रहे हैं। कमेंट में क्या था कि जी इनको इकट्ठा रखिए। हाँ जी, सही कहा। किसने रखा था, किसने कहा था ये? क्या नाम था ये? पता नहीं कौन है, छोड़े मेरे हैंड मिटे डाल मिटे बॉम मिटे बॉम मिटे बॉम। हाँ जी, बाढ़ लियो साहब जी, नौटियाना था ये। हाँ जी, बंदे पता कितने पाए जाते हैं? हाँ जी, तो बंदा घोड़ा रेस दौड़ के आता है ना, आगो बाघ खड़ता है ना घोड़े। तो पिजन्स वगैरह को पानी वगैरह डालें, इनको डाइट वगैरह की पूरी करें। अब हसन मियां आप ना करें, इन्हें आप अपने गोबर का साथ से डालें जरा पानी छानी इनको। नहीं आज हसन मियां पानी छानी इनको दाना छाना डालते हैं, हम तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं आज। बाहर से डालें, बाहर से वापस उसको करेंगे ना, केज खुला हुआ नहीं, वैसे ही आप इधर से भी करेंगे ना ऐसे।
बर्तन भी इंशाल्लाह धुल जाएगा, दाना वाना भी डालेंगे जी। ये देखिए सियाना, वो देखिए यहाँ पे दरवाजे के पास में खड़ा हूँ, वहाँ पे आ ये देखिए ना ठहर जाए ये डालें तेरे इसमें पानी कल क्या इंशाल्लाह भेजें वो लेने चले क्या ऑस्ट्रेलिया कल का ना कबूतरों का ख्याल है दाना शाना तो इनका वैसे पड़ा हुआ है चूचों का भी पड़ा हुआ है इसमें कबूतरों का है दिखाएं जरा कबूतरों का भी पड़ा हुआ है और तुम लोगों ने दाना नहीं खाया क्या चक्कर है असल में निकालने बाहर क्या हो गया मैनू कहते हो तुम कल है कटो बाहर आप ही अपना कट ही नहीं बाहर ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੋ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਇਨਕਾ ਦਾਣਾ ਪਾਈ ਡਾਲਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕੋ ਤੋੜਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹਸਨ ਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਡਾਲਣਗੇ ਪੌਦੋ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਦਿਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਫੈਨਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਬ ਇਹ ਕਿ ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਉਸਕੀ ਸਿਰਫ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਲਗਾਨਾ ਹੈ तो वो इंशा अल्लाह कल उम्मीद है कि व्हाट्सएप पर मुझे टाइम दे देंगे और आपके साथ मिलके मैं तो उनको यहाँ पे हैंग कर लूँगा तो देखें आप कैसे हैंग करते हैं ये तो आप कल पता रहेगा आपको इंशा अल्लाह फाइनल सप्लाई की तारें वगैरह लानी होगी तारें ला लूँ तो उसके साथ फिर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इंशा अल्लाह हमारे पास कनेक्शन ये बिजली का यहाँ पे है तो यहीं पर हमें अपना अपनी सप्लाई को रखना पड़ेगा यहीं से आगे इंशा अल्लाह सारा कनेक्शन जो होगा हमारी वायरिंग इंशा अल्लाह हो जाएगी एग्जॉस्ट जब लगेगा फिर तो आपको फैन की भी जरूरत मेरे हिसाब से रहती है फिलहाल तो ये वाले फैन पे हमारा गुजारा है लेकिन ये फैन के साथ ऑब्वियसली पेडेस्टल फैन के साथ बड़ा मुश्किल है हवा प्रॉपर अंदर नहीं आ रही लेकिन चले गुजारा बेचारा करना पड़ रहा है हमें भी करना पड़ रहा है देखे ना इनको भागने की पता नहीं क्या लगन लगी मुझे नहीं समझ क्यों नहीं ये बहुत गंद मैं यही कह रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा गंद ये कॉर्नर वाले नहीं तो ये सेंटर वाला गेम देखे ना मट्टी डाल बस ये बहुत ज्यादा गंदा ये अभी मैंने उसको जो मेरा दोस्त जिससे मुझे दिए था ना गिफ्ट किए हैं उसको मैंने अभी इंशाल्लाह कल बुलाना है जफर भाई अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इंशाल्लाह कल मुझे उम्मीद करता हूँ आपको कि कल आप भी मेरे पास चक्कर लगाएंगे आएंगे और आपको मैं अपना केयर का सिस्टम भी दिखाता हूँ सारा तसल्ली से उसके अलावा इनको धोना यार इनको नहलवाना इनको नहलवाए बड़े दिन हो गए हैं उधर आप कहेंगे तो शरीर लाइन को नहीं नहीं करवाते हैं आके मिलकर कहाँ जाने जी अच्छा मियाँ नहीं 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 इन्होंने ना असल में ना अपनी मिसेस को क्या लिखे देना बॉडी स्प्रे परफ्यूम वगैरह लेके देना बेगम साहब को अपनी वो मुझे कह रही थी कि भाई जान साथ चले हमारे इनको लेने के लिए ना वो एक बड़ी लेके ना कार्ब शार्ट नहीं नहीं कनाली जो बाहर डाली है वो कनाली में पानी चेक किया कनाली में वो देख लेते हैं उनमें पानी डाल के ना इनको उस पर खुला छोड़े नहीं मैं आप सोच रहा हूँ मैं डक्स भी लेके आनी असल में कोशिश करते हैं हम भी वैसा बना लेंगे ऊपर जो नहीं हमारे जैसा नहीं है ऊपर जो उसके हमारे जैसा नहीं है ऊपर जो सेटअप है हमारे जैसा नहीं है उसने कुछ भी नहीं किया भैया ऐसे ही है बस ये कि हमारा साइज ये है उसका थोड़ा साइज और है नहीं नहीं उसका मुझे लगे नहीं समझा हमारे जैसा क्यों नहीं है हाँ जी क्योंकि उसने ओपन रखा हुआ ओपन एयर रखा हुआ नहीं उसने हमारे ये चार दीवारी के अंदर बंद है प्रिजनरों को कवर किया हुआ अब उसको उसके लिए अलग ढंग से ना वो भाई इतना ओपन भी बर्ड्स का नहीं रखते गर्मी मार पड़ती है हमारा ये नहीं कह रहा कि हमारा भी बहुत बेहतर है लेकिन हमारा उससे उनसे बेहतर है पता है क्या बारिश आई तो फिर कैसे कवर करेगा हर तरफ से परिंदों को बारिश पड़ेगी यहाँ तक कि उसने डकी ने ऊपर से भी छत नहीं बनाई ऊपर भी ये जाली लगानी है ऊपर से भी बारिश पड़ेगी साइडों से भी पड़ेगी इधर से भी पड़ेगी वो परिंदा परेशान हो जाएगा परिंदा तो फिर नहाता ही रहेगा हर बार है और उसको साबुन भी ला दे है ना डकी भाई काट ले अपने परिंदों को साबुन ला के दे ताकि वो हर वक्त नहाते नहाते धोते रहे इसको तो बंद करूँ ये बेचारा खुला रह गया और अब हम लोग बाहर चलते चल के जरा यार वो पैर के उसका सुबह तो फिर को कह के ना तो इनका ना वो जरूर करवाए यार उसकी तबीयत खराब है लेकिन कोशिश करता हूँ कहीं नहीं हमारे पास गरीब आलम को आया What's up, baby? भाई मेरे को ये गरीब आलम कह रही है सही बात कह रही है लेकिन मैं क्यों ऐसे हम बाहर आ गए पानी तो है लेकिन पानी गंदा है उसको तार के नीचे गिराए पानी को ये मैं अपने गधे को पिलाऊंगा ओहो ओहो
उधर गिरा है। चलो शाबाश, चल इसको रखे। हम गर्मियों में स्विमिंग पूल पे जाते हैं, यहाँ चिड़िए हमें आते हैं। चलें इसको डालें पानी। जी अमीर भाई, अमीर भाई अपने हाथ से पानी डालेंगे। कैसे में डाल रहे हैं दोनों बंदे मिलके एक बोतल को। पीएचए वालों को कुएं से मैं भर के लाया था, आगे मालिक ने पॉइंट ले लिए। जी पानी हो गया हमारा, पानी की और बोतल भरनी है। दाना तो यार असमिया मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, तो दाने की जरूरत है ना। देखें जरा दाना काफी है, दाना नहीं इतना खाया जा रहा है। बटे सुटे ने बीच ए बच्चे ने पता नहीं यार, दाना है काफी। 1 आवर लेटर। अपनी अपनी फैमिली के साथ आ गए रहे हैं, सब बैग भी लेके आए हैं। आज मुझे पता है, मैं दिखा रहा हूं ये रखें, ये बैग पकड़ा हुआ बेगम का, बेगम के पास। हां जी हां जी हां जी, अपना परफ्यूम पसंद कर रही है। हम अभी बिला वजह यहाँ पे घूम फिर रहे उनके साथ, और आइसक्रीम खाते में थोड़ी देर मिश्रा तरह, लेकिन ये पहले इनको असमिया की मिसेज ने 3,000 बॉडी स्प्रेज लिए हैं, तो 3,000 बॉडी स्प्रेज की प्राइस अब असमिया को पता होगा जब असमिया इसका बिल अदा करेंगे। ओए मजे। आदमी अपनी उठाई हुई बेटी साहबजादी, और साहबजादी कराइए टिंडो, और असमिया चेक करें क्या खा रहे हैं। और मैं खा रहा हूँ ये अपनी फेवरेट हाजी लजीज पीस, बेगम साहब कॉर्नेटो, छोटी सिस्टर भी खा रही है एलमंड मैगनम। बहुत शुक्रिया, बारिश लह पई है जी, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश अभी फिलहाल रुकी हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी घर आ गया था, अल्लाह का शुक्र है जी। और हसन मियां लोग जो है वो अपने घर निकल गए, लेकिन उनको बारिश ने आल पेटा पेखेवाल मोड़ पर, वो फिर तकरीबन अल्लाह गोल चक्कर तक वो बारिश के साथ चले, और बारिश उनके साथ चली। उसके बाद फिर वो कहते हैं आगे रास्ता सारा साफ था, लेकिन वो उनके साथ चूँकि छोटी बच्ची थी, उसको बचाते बचाते वो दोनों खुद मियाँ बीवी तो पूरे भीग गए, लेकिन बच्ची को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा, अल्लाह पाक ने बचत मतलब गिरी नहीं हुई बच्ची। बाकी ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग यहीं पर इख्तिताम करते हैं। दुआ और उम्मीद का आप लोगों का दिन खैरियत से गुजरा होगा, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। बशर्ते जिंदगी का लाजमी मुलाकात हुई किसी नई जगह, पिछले मुकाम पिछले काम के सिलसिले में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। तो फिर हदीयत ने कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बोले अल्लाह हाफिज़ और रात बखैर।